दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्ना अपडेट और मैं हूं पंकज चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं करहेल मनासा के एक गांव में। जैसे कि हमने आपको ये कल खबर दिखाई भी थी, इस घर में पूरी की पूरी घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया हुआ था और इस घर के एक कमरे में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। उस बच्चे को आग से बाहर निकालने के लिए दो सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें से एक थे हमारे बीएसएफ के जवान, हैं घर पर छुट्टी पर आए हुए थे, और दूसरे हैं स्टूडेंट हैं अभी पढ़ते हैं, उनका भी एक अहम रोल रहा। कुलवीर जी, आप बीएसएफ में हैं और कल आपने एक बड़ा ही, मैं कहूँ कि सारे लोग उस पर एक गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपने एक बच्चे को बचाने का प्रयास किया और उसमें कामयाब भी आग से, तो क्या पूरा बताइए कल का पूरा वाक्य है, जो स्थिति थी क्या थी उसके बारे में बताइए। देखो जी, जिस टाइम मैं अपने घर बैठे आते, मेरे चाचे लड़के मेरे को आवाज मारी कि बाहर आओ। एक मिनट में बाहर आया तो गली से निकले तो उन्हें आख्या भाई थोड़े चाचे घर अग लगी थी बुरी तरह। मैं जल्दी दौड़िया घर आया तो अग जी पूरे मकान की फैल चुकी थी। सानू अफरा तफरी से कुछ नहीं दिखा था, मैं आंदे ही घर पर कोशिश की अंदर कुछ नहीं, पर कोई मेरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैंने जाके बिजली की तारें तोड़ी, तारें तोड़ते जैसे मैं नीचे आया तो ये लड़का जो मेरे पास खड़ा है ये बोला चाचा बच्चा। मैं बोला कहाँ है? बोला अंदर। अंदर आग इतनी फैल चुकी थी कि अंदर जाने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने अपनी हिम्मत के साथ अंदर घुसने की कोशिश की, पहले कमरे में घुसा, मैं दूसरे में घुस गया जहाँ बच्चा नहीं था। दूसरे चक्कर में मैं गया, बच्चे को मैंने ढूंढा, काफ़ी परेशानी आई, बच्चा मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अचानक मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल तो ऐसे ऐसे हाथ मारा, मारने के बाद बच्चे का जो कमर मेरे हाथ में लगी, लगने के बाद मैंने इसे टटोला तो इसके बाल, मतलब आपको दिख नहीं रहा था बच्चा है, नहीं दिख रहा था, धुआं ही धुआं था, आग और धुआं, ऐसे बाल लगे। मैं दिल में सोच लिया कि ये बच्चा ही हो सकता है, उसको लेकर निकला, मैंने बच्चा फेंका इधर आके। फेंकने के बाद फिर पता चला कि दूसरा बच्चा भी अंदर है। फिर उन्हें पैरों में मैं वापस फिर चला गया अंदर। दो चक्कर जाने के बाद मैं देखा, मैं बोला कि बच्चा अगर दूसरा अंदर है तो मेरी निगाह में बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब आपको दिखाई नहीं दिया दूसरा, कुछ नहीं, धुआं और आ गई थी। तीन चक्कर जाने के बाद मैंने पूरा कमरा सर्च किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं दूसरे कमरे में घुस के पूरा कमरा देखा कि बच्चा इधर तो नहीं है कहीं। तो स्थिति क्या थी उस वक्त अंदर की, अगर कमरों की बात करें तो? पूरी आग ही आग थी, पूरी आग लगी थी और धुआं था, और जो लाबी है इसमें भी बिल्कुल आग ही आग फैली थी। लड़के कोशिश कर रहे थे लेकिन इतनी कोशिश नहीं हो पा रही थी, मर्जी जरिए हम करने जा रहे थे, जल गया सामान, पूरा राख हो गया। फिर मैं जब पूरी हिम्मत में रखी, आग जो थी मेरे एक से काबू से बाहर हो रखी थी, मैंने पूरा जोर लगाया, हिम्मत भी मैं खूब जड़काई, जड़काने के बाद अचानक लड़कों ने पानी जो फेंका उसके ऊपर, फेंकने के बाद जो पानी था उसकी बाहों मेरे मुंह पर पड़ गई, पड़ने के बाद मैं बेहोश हो गया अंदर। हुआ हिम्मत मैंने छोड़ी नहीं, जैसे कैसे मैं खिड़की से बाहर आ गया। उसके बाद मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बाद मेरे को कहाँ ले गया मेरे को कोई पता नहीं। मैं काफ़ी देर सुन रहा एक डेढ़ घंटा, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, कहाँ ले गए। शुक्र भगवान का ये था कि बच्चे की लाइफ बचाने में कामयाब हो गया, अदरवाइज ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, जायदाद भी चली जाती और औलाद भी चली जाती यहाँ से। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, वैसे तो हमारे देश के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनमें काफ़ी इस तरह का जज्बा है, लेकिन इस तरह का जज्बा आखिर आता कहाँ से है? जिस तरह से आग थी पूरे कमरे में, फिर भी आपने इतना हिम्मत दिखाई और अंदर चले गए आप, इतना जज्बा आता कहाँ से है जवानों में? मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अपने डिप्टी कमांडेंट परमजीत सिंह का करूँगा, जिसने मेरे को ये शिक्षा दे रखी है कि जान चले जाए पर बचन ना जाए। मैं कहीं भी, वो कहीं मेरा सुन रहा होगा, उस पर मेरे पर गर्व होगा कि मैं जहाँ भी रहता हूँ इसी अड़ी पर रहता हूँ और अपनी अड़ी से बिल्कुल काम अटल रहता हूँ। जो भी चीज़ मैं देखता हूँ उसके करके छोड़ता हूँ। मेरे अंदर इतना जोश भर गया था कि मैंने बच्चा बचाना है तो बचाना है, इसके अलावा मेरा टारगेट कोई नहीं था। मैंने कोई सामान नहीं खींचा अंदर से, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ बच्चे खींच रहे थे, बच्चे मैंने खींच लिए, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता था वहाँ। बाकी यही सभी से उम्मीद करता हूँ, कोई भी जवान हो जैसे इन्होंने मेरा साथ दिया, खास करके ऐसे लड़के ने हिम्मत, इसने ही देखा, मैं तो देखा भी नहीं, इसने देखा और इसने मेरे बोला चाचू बच्चा अंदर है, और मैंने पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़के आग के साथ उस बच्चे को निकालने में सफल रहा। मैं यही उम्मीद करूँगा कि अगर कोई ऐसी घटना घटती तो अपना दिल खुल के लड़ो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं है, जलना तो जलना है, अगर मेरे जलने से बाद भी बच्चा बच सकता तो मेरी एक महानता है, गर्व होना चाहिए मेरे को इसकी चीज पर, कर मैंने आग से मुंह से निकाल के लाया हूँ उसको। किसी की जान बचाना बड़ी महानता का काम होता है, समझ लो कि बच्चा अंदर, वो कुछ हो जाता मेरा जहाँ रहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये परिवार घर वाला कोई नहीं था, एक हमारी भाभी थी जो सिर्फ रो ही रही थी कि जहाँ क्या होगा, समझ कुछ नहीं आ रही थी। और ये देखो आपके सामने ही है, इतनी आग का जो प्रपोजल चल रहा था, लड़ना आग के साथ, हिम्मत जो भी है, और शाबाश ही इसकी बात की मानता कि गांव वाले बहुत अच्छे हैं जिन्होंने साथ दिया मेरा भरपूर।
मैं भी बीमार हुआ, कोई बात नहीं, मेरा फेस सड़ा, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊँगा, लेकिन बच्चे की लाइफ मैंने बचाई है, इसलिए परिवार को भी मेरे को बहुत गर्व है, इनको मेरे पर गर्व है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा, ऐसे काम में बढ़ चढ़ के काम लो ताकि एक भाईचारा आपस में बनता रहे। मेरे चाचे का घर है, मेरा छोटा भाई है, ये बेचारा नहीं तो मैं तो था, एक तो बंदा तो था ही मरे में, चलो जितनी लड़ाई लड़ते हैं हम लड़ रहे थे सारे, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बहुत खूब आपके काम की सराहना तो वाकई में काबिले तारीफ है, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको सल्यूट है सर, जिस तरह का आपने काम किया। और युवा थे जिन्होंने इस बच्चे को बचाने में अहम भूमिका निभाई, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल मनाज। अनिल जी, क्या स्थिति थी उस वक्त जब आपने देखा एक बच्चा भीतर आग में फंसा हुआ है, तो आपके माइंड में क्या आया सबसे पहले और आपने क्या किया? मैं अंदर गया सर, पहले फिर मैं अंदर गया, धुआं था, आग भरी थी सर, और मैं गया अंदर सर, ये शीशे के उधर जो अंदर खिड़की थी शीशे की, हाँ। उसको आपने तोड़ दिया, हाँ, हाथ के साथ उसको मैंने तोड़ दिया। तो दर्शकों, ये भी एक काबिले तारीफ है, इन्होंने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए शीशे को हाथ से ही तोड़ दिया और उस बच्चे को बचाने में इनका पूरा सहयोग किया। आपसे जानना चाहेंगे उस वक्त का क्या मंजर था जब आपने यहाँ पे पहुँचे और आपने क्या देखा, उस वक्त क्या स्थिति थी? उस टाइम जब मैंने जहाँ घुसा तो इस कमरे में बिल्कुल आग फैली हुई थी, आग फैलने में जहाँ कूदा मैं, कूदते कूदते जहाँ जब मैं आया तो ये पूरा मकान में धुआं और आग ही आ गई थी। मेरे को ये सूचना मिली कि बच्चा जो है कमरे में है, मेरे को कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बच्चा कौन से कमरे में है। मैंने इसी कमरे में घुसा और जाते जाते मेरे को जहाँ आपके मुताबिक ये पूरी एक तो इनकी लॉबी है, बच्चा कहाँ पे था? जो बच्चा था मैं इस कमरे में था, मेरे को डाउट पड़ गया कि बच्चा इस कमरे में, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, मैं इस कमरे में चला गया गलती से। अच्छा, और मैं काफ़ी लड़ाई लड़ता रहा आपके साथ, ये जो पूरा कमरा दिख रहे हो आप लोग, ये लॉबी, इसमें धुआं और आग ही आग थी, और इसमें मैं चला गया, मेरे को कुछ नजर नहीं आया, मैं बाहर निकला घबराया हुआ, मैं जहाँ के बोला कि बच्चा इस कमरे में नहीं है, बच्चा कहाँ है, तो मेरे को बाहर से बाहर आई बच्चा इस कमरे में है। तो मैं दूसरा चक्कर इस कमरे में जब घुसा तो इसमें धुआं ही धुआं, इतना धुआं था कि मेरा सांस लेना भी बहुत कठिन हो रहा था। एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस तरह की स्थिति अगर किसी और पे आती है, हमारी वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, जिस तरह से बता रहे हैं स्थानीय लोग कि आपने एक विशेष तरीके से अंदर आके बीच घुसे आप, वो क्या टिप्स था जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे? मैं साझा ये करना चाहता हूँ, देखो पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि एक घटी किसी को देखने ना पड़े, अगर बाई चांस किसी को देखने भी पड़ती है तो हर बच्चे को अपना बच्चा समझो, हर घर को अपना घर समझो, ताकि किसी दूसरे को ये फील ना होए कि हमारे साथ कोई ये ऐसी बात हो रही है। किसी का भी मैंने दिल खोल के काम किया, लोगों ने मेरा साथ भी दिया, और आज मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ, यदि मैं नहीं देखता तो आज शायद मैं नीचे देखता, मैं नीचे देखता, किसी को मुँह नहीं दिखाना चाहता, सभी ये बोलते फौजी था, BSF का जवान था, खुद खा के उधर भी ऐसे करता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अपने कमांडर की जिसके अंडर मैंने नौकरी की है, मैंने उसके एक ही बात बोलता था, जो करता हूँ, जो बोलता हूँ करता हूँ, और आज वो मैं करके दिखाया है, वो मेरा कमांडर जहाँ भी सुन रहा होगा मेरे को, उस पर मेरे पर गर्व होगा बहुत बुरी तरह, कि मेरा जवान जैसे बॉर्डर पर तैनात रहता है ऐसे घरों में भी ऐसा ही काम करके दिखाता है। बहुत खूब सर, आपका वाकई ही जो आपने काम किया वो काबिले तारीफ है, इस तरह का क्रम लोगों में कम ही देखने को मिलता है। परिवार के सदस्य हैं जो खुद सुरक्षा एजेंसी में हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना एफर्ट लगाया इन्होंने बच्चे को बचाने में, जो इनके परिवार का सदस्य था। सर क्या नाम है आपका? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन जी, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जांबाजी का रूप इन्होंने दोनों भाइयों ने दिखाया है आपके, तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से इनका थैंक्स करेंगे? सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस इंसिडेंट में कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सिखलाई ऐसी होती है कि हमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की रक्षा करने का जो है संकल्प लिया होता है, हमने शब्द ली होती है कि अगर कोई ऐसा भी इंसिडेंट होता है तो हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान बचाने के लिए वचनबद्ध होते हैं। तो उसी का इन्होंने जो दृश्य दिखाया आपको, ये उसी का कारण था कि जो शपथ ग्रहण हमने कर रखी होती है ट्रेनिंग के दौरान, उसी को भरपूर इन्होंने निभाया है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आपको किसने बाहर निकाला? अंकल ने, ताऊजी ने।
तो दर्शकों आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति रही होगी, जिस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान थे, कहा जाता है कि बीएसएफ के जवान है जो या और कोई सुरक्षा एजेंसी के जवान है वो अपनी ड्यूटी के दौरान तो कार्य करते ही करते हैं, लेकिन आज हमने एक ऐसी वाक्य को भी देखा कि जवान है जो ऑफ ड्यूटी भी एक अपना फ़र्ज निभाने से कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पंकज चौहान, आरएसपुरा बिश्ना अपडेट के लिए, बिश्ना क्षेत्र के गांव करेल मनासा से। यहां के जवान हैं, नौजवान हैं, एक तो हमारे बीएसएफ के यहां हैं कुलवीर सिंह जी और दूसरे यहां अनिल मनाज जी स्टूडेंट हैं। इन दोनों ने इतना बहादुरी का काम किया है यहां पे कि आग में कूद कर कोई भी इंसान जो है इतनी जरूरत नहीं करता, लेकिन ये बहादुर कोई इंसान ही इतनी जरूरत करता है जिन्होंने आग में कूदकर उस बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा जो है बाहर जो है आग से निकाल के वो ले आए। तो एक तो मैं इनको भी ये बहादुरी के लिए इनका भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इन दोनों बहादुर जो जवान हैं इनको हौसला अफजाई के लिए इनको कोई ना कोई ऐसी रिकमेंडेशन हम करेंगे ताकि इनको इस जो काम इन्होंने बहादुरी का किया है उसका कोई ना कोई रिवार्ड जो है इनको ज़रूर मिले। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे इंसान जो हैं जो ऐसे वक्त पे काम आते हैं इनको कोई ना कोई एप्रिसिएशन इनकी ज़रूर होनी चाहिए, तो वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे।